फाइनली तो Redmi ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Redmi Note 13 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Moto का एक पॉपुलर स्मार्टफोन Moto H40 Neo 5G इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 5000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 5000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Moto के H40 Neo 5G में MediaTek का Dimensity 7030 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 5,37,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Moto के H40 Neo 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,93,000 निकल के आता है। वैसे तो अंततः स्कोर के हिसाब से थोड़ा आगे निकल जाता है Redmi का Note 13 Pro 5G पर इन दोनों स्मार्टफोन के गेमिंग स्कोर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Moto H40 Neo 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,100 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Redmi का Note 13 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,200 निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर होगी, Moto H40 Neo 5G का प्राइस 5,000 रुपीज कम है, फिर भी आप लोगों को Redmi का Note 13 Pro 5G जैसा ही गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 5,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Redmi का Note 13 Pro 5G में 6.67 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में बेजल काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ Moto के H40 Neo 5G 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। POLED डिस्प्ले होने की वजह से डिस्प्ले का जो बेजल है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाती है, और कम प्राइस होने के बावजूद ही Moto H40 Neo 5G में कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि Redmi के Note 13 Pro 5G में देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी Moto H40 Neo 5G के डिस्प्ले 1300 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G 1200 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी मेगापिक्सल में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है। एक्सीलेंट कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। एक तरफ Moto H40 Neo 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.65 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर सेल्फी के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है Moto का H40 Neo 5G। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी स्मार्टफोन से फोटोग्राफी काफी ज्यादा करते हो, कम से कम प्राइस में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 5000 रुपीस कम खर्च करके Moto H40 Neo 5G को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करिए तो प्राइस में इतना डिफरेंट होने के बावजूद बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट है। एक तरफ Redmi के Note 13 Pro 5G 5100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto H40 Neo 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्राइस में इतना डिफरेंट होने के बावजूद दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 5000 रुपीज कम खर्च करके Moto H40 Neo 5G को ही बाय करें।